भारतीय रेल देश का विकास इंजन, सिर्फ यातायात का एक साधन मात्र नहीं बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है। मेक इन इंडिया, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन और विश्वस्तरीय सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार देते हुए नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशक्ति विजन को साकार करते हुए भारतीय रेलवे देश की यूनिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए अग्रसर है। आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो, इसलिए ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए रेलवे ट्रैक का किया जा रहा है गेज कन्वर्जन, जिससे ट्रैक की बढ़ेगी कैपेसिटी, ट्रांसशिपमेंट में होगी कमी और मिलेगा सस्ते परिवहन का साधन। इसी क्रम में अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर रेलखंड का किया गया है गेज परिवर्तन। लगभग 2482 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण इस परियोजना में है 43 छोटे और 756 बड़े पुल, जिससे उदयपुर, डूंगरपुर, श्यामलाजी रोड जैसे क्षेत्र होंगे लाभान्वित। गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली के लिए उपलब्ध होगा एक वैकल्पिक मार्ग। साथ ही राजस्थान के दक्षिणी भागों का शेष भारत से होगा बेहतर संपर्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ वित्तीय राजधानी मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में औद्योगिकरण में मिलेगी मदद। तो वही क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों, विशेष रूप से हिम्मतनगर में टाइल उद्योग को होगा लाभ। गुजरात राज्य और दक्षिण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही इस क्षेत्र के नागरिक होंगे लाभान्वित, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा आदि जैसे स्थानों के लिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एक अन्य उपलब्धि के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेलखंड लूनी धार जेतलसर का किया गया है गेज परिवर्तन। लगभग 58 किलोमीटर के रेलखंड के गेज परिवर्तन की यह परियोजना 452 करोड़ की लागत से की गई है पूर्ण। इस रेलखंड के जरिए वेरावल और पोरबंदर से पीपावाव और भावनगर बंदरगाह के लिए दूरी होगी कम। खंड के गेज परिवर्तन से यात्रियों और माल के आसान और तेज परिवहन की मिलेगी सुविधा। अहमदाबाद और देश के अन्य हिस्सों के लिए वेरावल और पोरबंदर क्षेत्र से मिलेगा एक वैकल्पिक मार्ग। कानालूस, राजकोट, वीरमगाम व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक कम होने में मिलेगी मदद। यह परियोजना गुजरात राज्य के अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिलों के सामाजिक और आर्थिक विकास में होगी मददगार। साथ ही गिर अभयारण्य, सोमनाथ मंदिर, दीव और गिरनार पहाड़ियों के लिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय रेलवे देश के विकास में अपना योगदान देते हुए आजादी के अमृत वर्ष में नई बुलंदियों को, नए भारत, नई रेलवे को साकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गेज परिवर्तित रेल खंडों पर असारवा और उदयपुर सिटी के बीच एक्सप्रेस ट्रेनों एवं लूनीधार और जेतलसर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। साथ ही गेज परिवर्तित अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर और लूनीधार जेतलसर रेल खंडों को किया गया राष्ट्र को समर्पण।